जी हाँ, आज आपको मैं 20 रुपए में चित्रकूट में कैसे आप प्रति व्यक्ति रुक सकते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये जो रैन बसेरा है ये सदगुरु ट्रस्ट का है जो कि नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट एमपी में है, और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप पर नाइट का 20 रुपए आप दे करके आप रैन बसेरा में स्टे कर सकते हैं। सामने मेन काउंटर है, मैं आपको ले करके चलता हूँ नीचे। ये मेन काउंटर है जहाँ पर आप 20 रुपए की आप स्लिप लेंगे, और उस स्लिप पे और उस टोकन पे आपको कभी टोकन दिया जाएगा। जब भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है तो आपको पर्ची दी जाती है, अगर भीड़ कम है तो टोकन दिया जाता है, उसमें आपका बेड नंबर लिखा होता है, और यहाँ से आप स्लिप लीजिए। और यहाँ पर ये जो बनाया गया है ये आपका शौचालय है, यहाँ पर आप नहाने की सुविधा है, और सुबह जो आपका नित्य क्रियाएं होती हैं उनके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो नित्य क्रियाएं हैं वो सुबह ही नहीं होती हैं, वो किसी भी समय हो सकती हैं, तो आप उनका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा है, सफाई का बहुत ही विशेष ध्यान रखा है ट्रस्ट वालों ने। और इसी के ठीक पीछे साइड में महिलाओं के लिए इन्होंने सुविधाएँ दी हैं, जैसे कि आपके साथ अगर कोई लेडीज़ हैं, अगर आप आते हैं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए और अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ रुका जाए, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पर रैन बसेरा में जाइए, 20 रुपए दीजिए और आप प्रति व्यक्ति 20 रुपए दे करके आप यहाँ पर रुक सकते हैं, जहाँ पर आप एक तरफ महिला एक तरफ पुरुष, उनके लिए नहाने की सुविधाएं हैं और सुबह जो है वो लैट्रिन के लिए बाथरूम की सुविधाएं भी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान होने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर बेड कुछ इस तरह का दिया जाता है। आप जो रुकते हैं तो एक आपको फोल्डिंग पलंग दी जाती है, एक और ठंड का टाइम है तो आपको रजाई और गद्दा मिलेगा, और अगर गर्मी का टाइम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेडशीट आपको अपने पास से लेके आना होगा, और जो आपको ये प्रोवाइड कराएंगे वो आपको फोल्डिंग पलंग और गद्दा प्रोवाइड कराएंगे। तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा है, दिन में बंद रहता है, इसका उपयोग आप सिर्फ रात में ही कर सकते हैं। और अभी मैं आपको और दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप जब स्लिप लेंगे तो यहाँ पर पीने का पानी आपको यहाँ पर मिलेगा, और टेम्परेरी बेसिस पे जो है वो आप यहाँ पर ये बाथरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं वो वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, तो नीचे उतर के वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सीढ़ी का, और भी दिन में मैंने ये वीडियो बनाई जिसकी वजह से सफाई हो रही थी और ये बंद किया गया था, और काफ़ी साफ़ सुथरा, ऐसा नहीं कि आपको जो है हर जगह कूड़ा मिलेगा, बहुत ही सफाई का ध्यान रखा जाता है। और सफाई देखिए, आप खुद देखिए कि काफ़ी साफ़ है, ऐसा नहीं है कि रैन बसेरा तो 20 रुपये में तो आप सोचते हैं कि कैसे रुकना होगा, प्रॉपर आपको एक पलंग दिया जाएगा, आप रुक सकते हैं। आप अगर 20 रुपये में, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप 500-600 रुपये का एक रूम ले लीजिए, और ज़्यादा पैसा है आपके पास तो जाकर के एसी का रूम ले लीजिए, 1500 रुपये का आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप आए हैं जो आपके पास बजट नहीं है, आप 20 रुपये में रुकना चाहते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप यहाँ पर आकर के ये जानकी कुंड नेत्र चिकित्सालय में जो रैन बसेरा है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर आते हैं सिर्फ हॉस्पिटल में दिखाने के पर्पज़ से आते हैं तो आप रुकना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, या अगर आप अपने पर्सनल काम से आए हैं या चित्रकूट में आपको रुकने की व्यवस्था नहीं है तो आप आकर के इस ट्रस्ट में जो रैन बसेरा बनाया गया है वहाँ पर आप रुक सकते हैं। और यहाँ से ही आप चार धाम की यात्रा भी, जो आपका मेन गेट था मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, वहाँ से आप चार धाम की यात्रा पर भी जा सकते हैं। चार धाम की यात्रा के लिए 80 रुपये वो आपसे प्रति व्यक्ति चार्ज करते हैं। आपको जानकी कुंड के अलावा आपको जो है वो स्फटिकशिला, गुप्त गोदावरी और सती अनुसुईया राम दर्शन कराते हैं। तो इस तरह की जो है ये चार धाम की यात्राएं भी यहाँ से आप कर सकते हैं। और आने वाले टाइम पे मैं और भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा ताकि आपको और जानकारियाँ मिले। वीडियोस को देखते रहिए, आने वाले टाइम पे मैं और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा।